कुछ मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, ये मेरी मजबूरी है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मालिक। मुश्किल से यहां तक आया हूं शेर खान, तुम तो जानते हो मेरी बीमारी के मुतालिक कोई भरोसा नहीं है मेरी जिंदगी का। खान मेरी बात और सुनो शेर खान, तुम जानते हो मेरा भाई सुल्तान एक लालची शख्स है, उसका एतबार न करना। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को उससे अलग रखना, किसी अच्छी जगह पर और तालीम। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं तुझसे कहूँ ये अमानत है मेरी, इसे अपने पास रख लो। इसमें है क्या? ये कीमती हीरे हैं शेर खान, हीरे जिस दिन मेरे बच्चे बालू हो जाए ये उनके हवाले कर देना। सुल्तान पर एतबार न करना शेर खान। हौसला रखो खान, हौसला रखो। मेरी कुछ जमीने थी वो मैंने मनसबदार के पास रख दी है, तुम्हें बच्चों का खर्च देते रहेगा। पानी 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 मुझे माफ कर दे, मुझे की मेरी मजबूरी तू जानता। सबर की भी कोई हद होती आखिर, 12 साल हो गए उस मुए को मरे हुए। अरे एक बार यहां इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा और सही। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो ना, बात को समझने की कोशिश करो। अरे अब कुछ बोलोगे भी या यूं ही पहेली बुझवाते रहोगे? बस यूं समझ लो कि जमीने हमारे हाथ आ चुकी हैं। जमीने हाथ आ चुकी हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि रहन की मुद्दत पूरी हो चुकी है, मनसबदार को पैसा चाहिए और पैसा हम देंगे। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? कैसे इनकार करेगा, वो भाई हूं मुराद खान का, वारिस हूं जमीनों का। वारिस हूं जमीनों का? अरे वारिस तो उसके बच्चे हैं, बच्चे। उसका वारिस मैं हूं, उन यतीम बच्चों को रास्ते से हटाना बहुत आसान है, बस ये मालूम हो जाए कि वो रहते किस शहर में है। मुझे तो फिक्र उस जमानत की है
जो मुराद खान शेर खान के हवाले कर गया था। क्या पता कि उसके पास है भी या नहीं। है उसके पास, मुझे किसी से मालूम हुआ है। खाली खुली बातों से कुछ नहीं होता, कुछ करो उस मुए शेर खान का। अगर मेरी बात मानी होती ना तो ये बला कब की डल चुकी होती। शेर खान का जिंदा रहना हमारे फायदे में है। एक दफा मालूम हो जाए कि वो अमानत रखता कहां है फिर देखना। आओ आओ सुल्तान, बैठो, सुनाओ कैसे आना हुआ। सरकार को तो मालूम है कि मुराद खान मेरा भाई था। कौन नहीं जानता। सरकार काश जिंदा होता। हौसला करो सुल्तान, हौसला करो। सरकार, मैं उन रहन जमीनों के मुतालिक अर्ज करने हाजिर हूं सरकार। हाँ याद आया, रहन की मुद्दत तो खत्म हो चुकी। जिस दिन रकम मिल गई जमीनें वापस लौटा दूंगा। सरकार, मैं रकम देने के लिए तैयार हूं, आप हमें जमीनें वापस लौटा दीजिए। नहीं सुल्तान नहीं, वो तो उन यतीमों की अमानत है। सरकार, मैं भी तो उन यतीमों के लिए कर रहा हूं। और फिर सरकार, उन यतीमों में रहन जमीन को छुड़ाने की सख्त भी तो नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या सरकार। बच्चों की रजामंदी जरूरी है। सरकार, मैं समझता हूं कि आपकी रजामंदी जरूरी है। मेरी रजामंदी क्या मतलब है तुम्हारा। सरकार, मेरा मतलब है, फिर कभी अर्ज करूंगा सरकार। वैसे सरकार, बात हो सकती है। समझ गया, लेकिन क्या तुझे मालूम है कि बात बादशाह सलामत तक पहुंच चुकी है। क्या ये इंसाफ के खिलाफ है मनसबदार। जमीने तो मुराद खान के बेटों की अमानत है आलम पना। इसमें कोई शक नहीं, दुरुस्त फरमाया अली जान, लेकिन हाँ कहो। सुल्तान भी उनका चचा है आलीजा। ठीक है, वो उनका चचा तो हो सकता है, लेकिन उनकी जमीनों का वारिस नहीं बन सकता। ये दुरुस्त है आलीजा, लेकिन मुराद खान के बेटे रहन जमीनों को छुड़ाने के लिए रकम कहां से लाएंगे। क्या कहता है शेर खान। आलम पना, वो मुसलसल इनकार कर रहा है। क्या शेर खान की नीयत पर शुबा किया जा सकता है। गलती किसी से भी हो सकती है आलम पना। आलम पना, ये मेरा जाती ख्याल है कि सुल्तान बुरा आदमी नहीं है, वो यतीमों का बड़ा हमदर्द मालूम होता है। जब तक शेर खान के पास मुराद खान की अमानत का पता नहीं चल जाता। मनसबदार। जी हुजूर। ये जमीन तुम्हारे पास अमानत रहेगी। हुक्म की तामील होगी आलीजा। और इस बात का फौरन पता किया जाए कि शेर खान के पास मुराद खान की कोई अमानत मौजूद है। आलम पना, इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। आलम पना, अगर इजाजत दें तो नाचीज शेर खान को बुलाकर पूछगछ करें। इजाजत है। सुल्तान, मजा आ गया आज के खाने का। सरकार, मजा तो उस दिन आएगा जब हम जमीनों के वारिस हो जाएंगे। सरकार, काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। सरकार, मुझे आपकी मदद की नहीं,
सिर्फ हां की जरूरत है सरकार। मेरी हां की? सरकार नीयत अगर अच्छी हो तो सब कुछ हो सकता।